धार एसपी की सुदृढ़ कार्य योजना के चलते पिछले 6 वर्ष से फरार चल रहे मुकेश को पिछले दिनों गुराड़िया फाटे टांडा बोरी रोड के पास नाकाबंदी कर पकड़ा गया है। मुकेश को छुड़ाने हेतु उसके 20 से 25 साथियों ने पुलिस पर जबरदस्त हमला कर दिया, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्यवाही में सभी आरोपी न सिर्फ भाग खड़े हुए बल्कि मुकेश को छुड़ाने में भी असफल रहे। वहीं मुकेश के 4 साथियों ने जेतगढ़ घाट के पास सीतापति कालू भील को लूटने की नीयत से पथराव करके घायल कर दिया था। पुलिस अधीक्षक धार के निर्देशन में उनकी टीम द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने की कार्यवाही की जिले भर में प्रशंसा की जा रही है। धार पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महेंद्र पिता कलम और जगदीश पिता बीजू सोलंकी, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 4/11/19 को क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला करने के मामले में ये आरोपी हैं, और इनको जब पकड़ा गया तो इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली, और पूछताछ करने पे 4 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें इनसे मिली हैं। ये 2 अन्य पत्थरबाजी के मामलों में भी वांटेड थे, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया। और जो क्राइम ब्रांच की टीम है उस पर हमला करने में इन्होंने अपने अन्य 12 साथियों के भी नाम बताए हैं। ये लोग इंदौर और महाराष्ट्र के मामलों में भी फरार हैं। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।